प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, अपना आज का प्रकरण है बच्चों, हमारे उपयोगी पदार्थ, सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। बच्चों बहुत सारे पदार्थ हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग करते हैं, तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों, क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से लाभ होता है और क्या खाने से हानि होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस नए टेक्नोलॉजी में हम लोग नहीं मानते हैं और खाते हैं, और उससे नाना प्रकार की बीमारी जो होती है हमारे अंदर आ जाती है और हम आजीवन परेशान रहते हैं। तो बच्चों इन सब की जानकारी हम इस पाठ में आपको उपलब्ध कराएंगे। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों, इस पाठ में हम सीखेंगे हमारे उपयोगी पदार्थ में सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण, जो लवण का हम उपयोग करते हैं, NaCl, NaSCO3 और Na2CO3, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और रेडियो सक्रिय पदार्थ, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो उससे लाभ हानि क्या होती है, इसके बारे में भी सीखेंगे इस पाठ में। लेकिन बच्चों इस पाठ में हम आपको तीन वीडियो दिखाने वाले हैं। आज पार्ट फर्स्ट में हम दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण के बारे में सीखेंगे, इम्पॉर्टेंट साल्ट्स इन डे टू डे लाइफ, जिसको हम NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और Na2CO3, जिसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं बच्चों, वाशिंग सोडा जो कपड़ा धोने का सोडा होता है। ये सब पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, इनसे क्या क्या फायदा होता, क्या क्या ये काम करते हैं, कैसे कैसे, कौन सा आपने पहले कक्षा में पढ़ा है अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, धातु के बारे में, अधातु, लवण, तो इनको आप जानकारी के आधार पर अलग भी कर सकते हैं कि कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, क्या क्षार है, क्या लवण है, उनको आप वर्गीकरण भी करना आप लोग जानते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में जो हम उपयोग करते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बच्चों हम सभी लोग लवण, हमने कहा दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण के बारे में सीखेंगे। तो लवण का अर्थ क्या होता है, साल्ट किसे कहते हैं, हम अपने नित्य क्रियाओं में आप नमक का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट, खाने का सोडा, पानी, दही, दूध, फिटकरी, लोहा, गंधक, कपड़े धोने का पाउडर, ये सारी चीजें आप अपने दिनचर्या में उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर बच्चों लवण, साल्ट जिसे कहते हैं, वो क्या है। जिस आयनिक यौगिक में H+ OH- हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं होते तथा जिनमें एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। जिस आयनिक यौगिक में H+ और OH आयन नहीं होते हैं
तथा जिनमें एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं, माने हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन नहीं होने चाहिए। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे Na2SO4, K3PO4, CaCl2। ये सभी क्या है, सामान्य लवण में आते हैं। प्रकृति में अकार्बनिक पदार्थ अम्ल और क्षारक के रूप में नहीं मिलते, किंतु वे लवणों के रूप में मिलते हैं। समुद्र तल में आप सभी जानते हैं नमक समुद्र से मिलता है, 8 करोड़ टन लवण मिलते हैं, इसलिए जो समुद्र के लवण को हम समृद्धि स्रोत भी कहते हैं। समुद्र में बच्चों क्या क्या मिलता है आपको मालूम है, समुद्र में क्लोरीन मिलता है, सोडियम मिलता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन जैसे तत्व के विविध लवणों का समृद्ध स्रोत है। इन लवणों के साथ ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अन्य साल्ट का भी उपयोग किया जाता है। तो समुद्र में मिलने वाले प्रमुख लवण क्या क्या है बच्चों, समुद्र में मिलने वाले प्रमुख लवण क्या है बच्चों, आप देख लेते हैं जो हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं कि बिना इसके आप कैसा भी खाना पकाइए बच्चों, अगर उसमें नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई तो भी स्वाद उसका अच्छा नहीं लगता, थोड़ी कम रहती है तो भी स्वाद अच्छा नहीं लगता। इसका रासायनिक नाम है मिलने वाला सोडियम क्लोराइड। और क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। ये सारी चीजें बच्चों हमको समुद्र में फ्री देता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये सारी चीजें हमको बच्चों समुद्र तल से मिलती है। ये देखिए कौन कौन सी कितने मात्रा में मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा में मिलती है बच्चों। ये देखिए क्लोराइड है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में आप जानते हैं 55% मिलता है इसमें, समुद्र में 55% भाग जो है सोडियम क्लोराइड मिलता है। ये है सोडियम का चित्र, ये सोडियम, सोडियम 31% मिलता है, सोडियम कितने परसेंट मिलता है, 31% मिलता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है बच्चों ये देखिए 13% मिलता है मैग्नीशियम। और यहाँ पर आप देते सल्फर, सल्फर 3.7% मिलता है। और ये कैल्शियम है कम मात्रा में मिलता है, 1.2% मिलता है। और ये क्या है, कैल्शियम के बाद ये मैग्नीशियम, अदर ब्रोम, अदर जो है वो 1.4% में आते हैं। इस प्रकार से समुद्र में हमको मिलने वाले जो प्रमुख लवण है उसका चार्ट की सहायता से बंटवारा किया गया है कि कौन कितना परसेंट भाग मिलता है। सबसे ज्यादा बच्चों आप समुद्र का पानी खारा होता है, उससे नमक बनाया जाता है, नमक की खेती यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, साल्ट की खेती कैसे की जाती है, पानी को क्यारियों में एक किनारे किनारे ऊंचे ऊंचे मेड़ बना दिए जाते हैं और ये किसके द्वारा, सूर्य की गर्मी से भाप बन के पानी उड़ जाता है और नमक क्या कर लेते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। जहाँ पर नमक की खेती की जाती है बच्चों आप जैसा जानते हैं पहले से, उसको नमकसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमकसार। अब बच्चों कुछ अम्ली होते हैं, क्षारी होते हैं और उदासीन भी होते हैं, उसकी गणना हम कैसे करते हैं, उसकी जानकारी हम कैसे करते हैं। जब लवण का पीएच मान 7 होता है बच्चों, पीएच वैल्यू 7 होती है तो वह लवण उदासीन होता है, मतलब न वह अम्ल होता है न क्षार होता है। जैसा पानी है, पानी न अम्ली है न क्षारी है, वो उदासीन है। यदि पीएच स्केल पर जिस मान पीएच 7 होता है, यहाँ पर देखिए 7 दिखा दे ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये न्यूट्रल है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है तथा वह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होता है,
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से निर्मित होने वाला लवण अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए यहाँ चित्र पर दिया है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से निर्मित होने वाला लवण ये देखिए क्षारीय होता है, जिसका मान 7 से अधिक होता है। तो जिसकी वैल्यू पीएच स्केल पर 7 से कम होती है वह अम्लीय होता है, जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वह क्षारीय होता है, और जिसकी वैल्यू 7 होती है वह क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इस प्रकार से हम पीएच स्केल पर की सहायता से कौन सा लवण क्षारी है, कौन सा उदासीन है और कौन सा अम्लीय है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम जो अपने दैनिक जीवन में हम सुबह शाम एनी टाइम कहीं भी जाते हैं उसका उपयोग हमारे जीवन में रहता है वो है सोडियम क्लोराइड बच्चों, सोडियम क्लोराइड जिसको हम सादा नमक भी बोलते हैं। आपके घरों में सोडियम क्लोराइड रहता है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम तो एकदम ज्वलनशील है बच्चों, आप 10वीं क्लास में जाएंगे अगर लाइव में आपको मिलेगा 9वीं 10वीं में, तो सोडियम ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको पानी पानी से क्रिया करता है, आग उत्पन्न कर देता है, इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। लेकिन यहाँ सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया कर लेता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है तो वह न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो भोजन को नमकीन स्वाद देने वाला हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला लवण जो है वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयनों की अभिक्रिया होने से उदासीनी अभिक्रियण द्वारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और हमने बताया कि ये लवण उदासीन होता है और इसका अम्लीय पीएच मान कितना होता है, 7 होता है बच्चों। इसके गुणधर्म के बारे में देखिए, सोडियम क्लोराइड जब एक टूटता है तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में, और एक HCl जब टूटता है पीएच प्लस और HCl माइनस में होता है। तो बच्चों इसके गुणधर्म जो है यही है, नमक यही है, सोडियम क्लोराइड ये आपके घरों में मिल जाता है। इसका गुणधर्म और उपयोग क्या है बच्चों, यह रंगहीन, कोई इसमें रंग नहीं होता है, किलाशी, आयनिक यौगिक है, इसकी किलाशी रचना में किलासन का जल नहीं होता है, यह उदासीन है, न्यूट्रल है, इसका स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है। इस यौगिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस यौगिक का उपयोग हम वॉशिंग पाउडर Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जैसे लवणों की निर्मिति के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होता है, ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस, धनाग्र पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस की निर्मिति के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक महत्वपूर्ण क्षारीय यौगिक बनाता है। उच्च तापमान पर नमक को गर्म करने पर वह पिघलता है बच्चों, इसे नमक की संगलित अवस्था माने फ्यूज्ड स्टेट कहते हैं। संगलित नमक का अपघटन करने से धनाग्र पर क्लोरीन गैस और ऋणाग्र पर द्रव रूपी सोडियम धातु प्राप्त होती है। यह इसके गुणधर्म, ये क्या है बच्चों, इसके गुणधर्म जो हमने अभी पढ़ा वही है, इसके गुणधर्म क्या है सोडियम क्लोराइड के और इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों ये क्रिस्टलाइन पाउडर है और इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। इसका उपयोग जो होता है वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे लवण बनाने में भी उपयोग किया जाता है।
बच्चों कुछ विशेष प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वहाँ से भी हमको नमक की प्राप्त निर्मिति होती है। ऐसे नमक को हम रॉक साल्ट कहते हैं, हेलाइट खनिज और हिमालयी रॉक साल्ट सल्फेट साल्ट, जिसको बाजार में सीधा नमक के नाम से जाना जाता है, वो चट्टानों से प्राप्त होते हैं। माने नमक भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ नमक चट्टानों से भी प्राप्त होते हैं। आगे हम जो आपको जानकारी देंगे वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने का सोडा होता है। बच्चों कुछ हम घर में चीज़ें ऐसे बनाते हैं, जैसे इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उसको फुलाने की ज़रूरत होती है, फूलने की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे पदार्थों में हम खाने के सोडे का उपयोग करते हैं। उसका सूत्र है बच्चों NaHCO3। इसका सूत्र क्या है? NaHCO3, और उसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों आप अपना बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे तो बर्थडे का जो एक केक बनता है, एक केक, इस केक में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आपके घर में पकौड़े बनते हैं, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। खस्ता बनती है, पूड़ी बनती है, बहुत सारे आइटम में लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसको खाने का सोडे के नाम से बाजार में मिलती है बच्चों। इसको अकेलासी श्वेत चूर्ण बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र अगर कोई पूछेगा, अणु सूत्र है बच्चों NaHCO3। इसके गुणधर्म और उपयोग क्या है बच्चों? इसके गुणधर्म और सोडियम कार्बोनेट के गुणधर्म और उपयोग क्या है, कहाँ उपयोग किया जाता है बच्चों? ये सोडियम बाइकार्बोनेट गीले लिटमस के साथ अभिक्रिया होने पर लाल लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है? नीला कर देता है। नीला कर देता है तो किस प्रकृति का है? ये क्षारी प्रकृति का लवण है। दूसरा जो गुणधर्म है, इसका उपयोग बच्चों हम पाव बनाने में, केक बनाने में और ढोकला बनाने में करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ये जो बच्चों क्षारी प्रकृति का होने के कारण इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? पेट की अम्लता को, जब आपके अंदर एसिडिटी की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तब इसका उपयोग किए जाते हैं। तो इससे बने जो होते हैं डॉक्टर लोग टेबलेट देते हैं, तो उससे आपकी अम्लीयता क्या हो जाती है? वो न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है। इसका उपयोग और कहाँ करते हैं बच्चों? बहुत ही इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्रों, जो आप स्कूलों में भी देखते हो कि आपके स्कूलों में भी अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं। इसका मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है बच्चों। इसमें इस अग्निशामक यंत्र में इस मान इसकी आप आकृति देखेंगे तो इसमें एक पाउडर होता है, जो सब पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का ही पाउडर होता है, इसमें भरा जाता है और उसमें होती है सल्फ्यूरिक एसिड लगी रहती है। सल्फ्यूरिक एसिड के मुंह पर जब हम ये पंच दबाते हैं ना, तो उसका मुंह खुल जाता है और उस सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करती है, और उसमें आपको बुझाने के लिए, जैसा आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है आपको बुझा देती है। तो वो क्रिया होती है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से हम आग को बुझाते हैं। इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। आपके घर में ओवन है बच्चों, जो आपके खाने को मतलब गर्म रखता है, तो उसमें भी उसको साफ सुथरा करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए ना, जब साफ कैसे करेंगे उसकी, जब उस बहुत सारे तेल और तिलछट लग जाता है, तो ओवन को स्वच्छ करने के लिए भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। ओवन को भी साफ करने के लिए क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा बहुत सारी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम एक ब्लीचिंग पाउडर बताएंगे बच्चों। ब्लीचिंग पाउडर जैसा आप जानते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, इसका अणु सूत्र है CuCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
बच्चों ब्लीचिंग पाउडर आप कहीं भी डाल दो, आपके घर में देखिए मम्मी आपकी साफ करती है ना बाथरूम, बाथरूम में बहुत सारे दाग धब्बे लगे रहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर डाल देती है या टॉयलेट में भी ब्लीचिंग पाउडर डाल देती है, और थोड़ी देर बाद जब वो क्रिया कर लेता है अपनी पूरी, तो उसको पानी डाल करके ब्रश से रगड़ के साफ कर देते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर अगर कपड़े पर डाल दो तो कपड़े कपड़े को भी वो क्या करता है, कलर उड़ा सकता है। तो बरसात के पानी में या गांव में कुओं के पानी में बच्चों, हम बरसात के समय में उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन कीटाणुओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। जैसा आपके घरों में जो नल से पानी आता है, आप बरसात के सीजन में देखिए उसमें एक तीव्र तीक्ष्ण गंध आती है, बारिश के सीजन में, क्योंकि बारिश के सीजन में बैक्टीरिया बहुत रहते हैं कीटाणु, तो वो पानी साफ सुथरा हमारे घरों तक आओ, हमको कोई हानि न पहुंचा सके, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से उसमें जो क्लोरीन गैस होती है वो प्रबल ऑक्सीकरण होने के कारण जो उसमें जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो जंतु होते हैं वो बच्चों नष्ट हो जाते हैं। देखिए एक COCl2 जो होता है CO2 से क्रिया करता है, एक कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता है और प्लस Cl2 गैस बनाता है। शुष्क बुझे हुए चूनी पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होने से विरंजक चूर्ण भी प्राप्त होता है, और इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसका गुणधर्म विरंजक चूर्ण जो होता है बच्चों, ये सफेद विरंजक चूर्ण, ये सफेद, ये देखिए क्या है, ये विरंजक चूर्ण हमने रखा है, सफेद चूर्ण पीला सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसकी बड़ी मात्रा में क्लोरीन की गंध आती है। जल शुद्धिकरण केंद्रों पर, जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी के निर्जंतीकरण तथा तैरने के तालाबों में भी, जो स्विमिंग पूल बने होते हैं उसमें भी उसका निर्जंतीकरण करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों का विरंजन, कपड़ों का विरंजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रास्तों के किनारे कचरे की जगहों के निर्जंतीकरण करने के लिए, जहाँ पर कचरे का डिब्बा रखता है वहाँ देखिए BMC वाले आते हैं, वो एक क्लोरीन विरंजक चूर्ण डाल के जाते हैं। तन सल्फ्यूरिक अम्ल और तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विरंजक चूर्ण की तीव्र अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस निर्मित होती है, जैसे यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है CaOCl2 प्लस H2SO4 इजकल टू CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने से कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निर्मित होती है। आगे हम आपको वाशिंग सोडा, जो आप कपड़ा धोते हैं बच्चों, वो क्या है वाशिंग सोडा, विभिन्न प्रकार के वाशिंग सोडा, एक दो वाशिंग सोडा नहीं है, आप मार्केट में चले जाइए तो वहां पर तमाम प्रकार के वाशिंग सोडा है, तमाम प्रकार के वाशिंग सोडे का प्रचार आपके TV में भी आता है, एरियल का आता है, सर्फ का आता है, घड़ी का आता है, निर्मा का आता है, ये सभी वाशिंग पाउडर है बच्चों। ये सभी वाशिंग पाउडर, ये वाशिंग सोडा इसको बोलते हैं Na2CO3 10H2O, इसका अणु सूत्र है Na2CO3 10H2। तो बच्चों आप पानी को पढ़े हैं, एक पानी कठोर होता है, सुफेन दुष्फेन होता है, और एक पानी सुफेन होता है, तो जिसमें आप सुफेन और दुष्फेन को आप पहचानने के लिए वाशिंग सोडे की सहायता से पहचान सकते हैं बच्चों। पानी ले लो एक गिलास में, उसमें सर्फ डालो, अगर वो अधिक झाग देता है तो पानी सुफेन है, माने पानी मृदु है, और वाशिंग पाउडर डालने पर उसमें झाग कम आती है तो पानी दुष्फेन है, माने कठोर है। इस प्रकार से इसकी जो है पानी की कठोरता है कि पानी की मृदुता है, इसका आप बड़ी आराम से वाशिंग पाउडर की सहायता से निरीक्षण कर सकते हैं। इसमें बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड सल्फेट्स की उपस्थिति के कारण भी पानी दुष्फेन होता है। जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति होती है तो पानी दुष्फेन होता है। तो ऐसे पानी को सुफेन और उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के लिए उसमें हम Na2CO3 मतलब
वॉशिंग सोडे का उपयोग करते हैं। वो क्रिया किस प्रकार से होती है, ये देखिए यहाँ पर MgCl2 प्लस Na2CO3, MgCl2 प्लस Na2CO3 कैसे बनता है, MgCO3 बनता है। यहाँ पर ये बराबर का निशान है, बराबर MgCO3 प्लस 2NaCl। सोडियम कार्बोनेट पानी में घुलनशील सोडियम का लवण होता है। किलाशी सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने पर सरलता पूर्वक उसके किलाशन का जल उड़ जाता है और उसका श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। इसे धोने का सोडा बोलते हैं। देखिए Na2O3 10H2O, इसका खुला छोड़ देंगे तो उसमें से पानी माइनस H2O लिखा उड़ जाता है और ये श्वेत चूर्ण बना रहता है, उसको बाद Na2CO3H2O, यही है श्वेत चूर्ण धोने का सोडा। इसका गुणधर्म और उपयोग क्या है बच्चों, कमरे के तापमान पर धोने का सोडा भूरे रंग का गंधहीन चूर्ण होता है। इसके जलीय विलयन में लिटमस का रंग नीला होता है। यह आर्द्रता शोषक होता है, अर्थात हवा में खुला रहने पर हवा की वाष्प को अवशोषित करता है। इसका उपयोग प्रमुख रूप से कपड़े धोने के लिए किया जाता है। कांच, कागज का उद्योग और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, हमने धोने का सोडा की देखा, उसके गुणधर्म देखा, उसकी उपयोगिता भी देखा, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में देखा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, हम ये अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं, सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो हम किस लिए करते हैं इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों ने लिया। कुछ किलासी लवण और सम क्रिस्टलाइन साल्ट है, उसका आप सूत्र याद रखेंगे बच्चों, आपको बहुत काम देगा। हमारे दैनिक उपयोग के किलासन जल युक्त पदार्थ है, जिससे फिटकरी है। आप शेविंग करते हैं, आपके पिताजी देखिए फिटकरी लाते हैं, कभी कभी आपको घाव भी लग जाता है तो उस पर फिटकरी आप लगाते हैं। आपके घर में बारिश के समय में जब पानी गंदा रहता है तो उसमें भी फिटकरी घुमा देते हैं, तो उसका जो कचरा होता है पानी का नीचे बैठ जाता है, तो इसको बोलते पोटास एलम। क्या बोलते बच्चों, पोटास एलम। इसका सूत्र है K2SO4 L2SO4 thrice 24H2O। इस सूत्र बच्चों याद रखना। और बोरेक्स है Na2B4O7 10H2O। इप्सम साल्ट है MgSO4 7H2O, इप्सम साल्ट जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। बेरियम क्लोराइड है BaCl2 2H2O। और सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। तो बच्चों, इसके गुणधर्म क्या है, इनका उपयोग कहाँ करते हैं, ये चाहे तो आप अपने मोबाइल में नेट के जरिए खोज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। बच्चों, एनीमिया का निदान करते समय या रक्त की जांच करने के लिए नीले थोथे का उपयोग किया जाता है। बोर्डो मिश्रण में नीला थोथा और चूना होता है, जिसका उपयोग अंगूर, खरबूज, इन फलों के लिए फफूंदी नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। हम अपने घरों में बच्चों साबुन का भी उपयोग करते हैं। ये सभी देखिए, ये पाउडर है, इनके अब फिटकरी है, ये बोरिक्स है, और ये जो बच्चा इप्सम है, इप्सम साल्ट है, इस प्रकार का इसका चित्र कलर होता है। ये बेरियम क्लोराइड है, इस प्रकार का पाउडर मिलता है। और ये सोडियम सल्फेट, इस प्रकार के इसके कलर होते हैं, इसके क्रिस्टल के रूप में ये सब मिलते हैं। आगे हम आपको साबुन के बारे में बता देते हैं बच्चों। जो साबुन आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, एक नहाने का साबुन होता है बच्चों, और एक होता है कपड़ा धोने का साबुन। ये कैसे बनते हैं बच्चों, तेल या प्राणियों की चर्बी को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के तेलाम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण निर्मित होते हैं, और इन लवणों को जो होते हैं साबुन कहते हैं। तो बच्चों, जो नहाने का साबुन होता है और जो कपड़े धोने का साबुन होता है, बनता तो सेम है, लेकिन नहाने का साबुन हमारी चमड़ी को खराब नहीं कर दे, तो उसमें जो कच्ची सामग्री यूज करते हैं, बसा यूज करते हैं और तेल यूज करते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का मिलाते हैं उसमें,
और जो कपड़े के धोने का साबुन है उसमें कम दर्जे का वसा और तेल का उपयोग किया जाता है। बस क्रिया दोनों की एक ही होती है बच्चों। देखिए नहाने के साबुन है, विविध प्रकार के नहाने के साबुन आपको बाजार में मिलते हैं, तो केवल अंतर यही है कि नहाने का साबुन जो होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें तेल और वसा जो मिलाई जाती है उच्च क्वालिटी का होता है। और ये जो कपड़े का साबुन है बच्चों, ये देख रहे हैं कपड़े का साबुन है, इसमें कम दर्जे के वसा और तेल का उपयोग किया जाता है। ये सोप मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है बच्चों, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस देखिए, इसमें प्रोसेस यही है कि फैट जो और ऑयल जो है उसका उपयोग करके हम इसको बनाते हैं, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर। यहां देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, जो एस्टर होता है बच्चों उसको सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर कार्बोक्सिलिक एसिड के या सोडियम या पोटेशियम के लवण जो होते निर्मित होते हैं, और जो ये लवण निर्मित होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, हम साबुन बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग विभिन्न प्रकार के जो लवण है जो अपने हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और वाशिंग सोडा, ये सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। और पानी को शुद्ध करने के लिए जो विरंजक क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर, उसका भी उपयोग करते हैं, तो ये सब के बारे में जानकारी लिया। अगले वीडियो में हम आप लोगों को रेडियो धर्मी पदार्थ क्या है और रेडियो धर्मी पदार्थ हमारे लिए कितने फायदेमंद है, किसने कितने नुकसान है बच्चों, जो विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां बाजार में मिलती हैं उनको खाने से क्या लाभ है क्या नुकसान है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। बहुत सारी ऐसी जानकारी बच्चों जो हमारे पास है नहीं, और उसका हमारे दैनिक जीवन में उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये सब जानकारी करने के लिए ही ये पाठ बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है। हमारे उपयोगी जो पदार्थ हैं किसका सेवन करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, इस सब के बारे में जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो पहले तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।